आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 15 हमारे गौरव। हमारे गौरव यानी जिस पर हमें गर्व हो, जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए हो जैसे हमें उन पर नाज है और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसमें हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछली कक्षा में चिकित्सक आयुर्वेद चरक के बारे में। चरक हमारे प्राचीन काल के आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि आयुर्वेदिक दवाई देकर उनका बीमारी का इलाज करते थे। उसी श्रुत में सुश्रुत पढ़े थे, उसी लाइन में सुश्रुत, ये भी शल्य क्रिया करते थे, यानी जो चीरफाड़ ऑपरेशन और वो होते हैं ना बीमारी में इलाज के लिए, उसमें करते थे। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया था और वे प्रयोगात्मक यानी कि क्रियात्मक कार्य कराकर इसकी शिक्षा देते थे। इसके बाद में हमने वीरों जो यानी देश के लिए, अपने राज्य के लिए या अपनी जनता के लिए वीरता के काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा था, रानी दुर्गावती के बारे में। इसके बाद में हम आज आगे पढ़ेंगे वीर सावरकर, ये भी वीरों की श्रेणी में गिने जाते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वीर सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे देश पर ब्रिटिश यानी सरकार थी वो हमारे राज करती थी, तो उसकी जो बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता है यानी कि हमारी जो भारत माता है उस पर वो राज्य करते थे और हम उनके गुलाम थे। उस समय उनसे हमारी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीर सेनानियों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने कार्य किया था, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी में से एक नाम है वीर सावरकर का। उन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत की स्थापना की। संस्था के सदस्यों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा की, यानी कि जो विदेश ब्रिटिश शासन है उसका हम विरोध करने के लिए जो विदेशी वस्त्र होते थे जिन्हें हम भारतीय जनता पहनती थी उनको जलाकर उसका विरोध किया था, ताकि हम भारत के जो सामान है वही खरीदें और हमारी वो जो आर्थिक आय होती है रुपये पैसे वो भारत में ही रहे। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी मेसिनी की जीवनी लिखी। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त हो गई, यानी उनको प्रकाशित नहीं होने दिया और उसको पकड़ लिया गया था। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखकर इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया। उनकी किताब लिखी उन्होंने, इसका नाम था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उनके ऊपर ही उन्होंने या उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी। इसके प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास हुआ। वीर सावरकर के ये किताब लिखी थी लेकिन इसके प्रकाशन के कारण जो सरकार थी वो नाराज हो गई और उनके भाई को उन्होंने आजीवन कारावास, आजीवन यानी जीवन भर के लिए उसको कारावास यानी जेल की सजा दी थी। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण इनको इंग्लैंड में गिरफ्तार कर जब भारत ला रहे थे तब ये जहाज के शौचालय से बाहर निकल समुद्र में कूद पड़े। जब ये इंग्लैंड में थे तो ये भारत के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसके लिए क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी यानी कि जो राज्य करता है उसके विरुद्ध जो अन्याय या अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उनका विरोध करते हैं उसको क्रांतिकारी कहते थे। तो इन जब ये इस तरह का क्रांतिकारी का कार्य करते थे तो इनको इंग्लैंड में गिरफ्तार करके भारत लाया जा रहा था, तो इन्होंने अपनी होशियारी दिखाई और उसके शौचालय से बाहर निकलकर समुद्र में कूद पड़े और लंबी दूरी तैर कर बंदरगाह पहुँचे, किंतु फ्रांस में फिर पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह यानी कि राज्य के प्रति विरोध करने का आरोप लगाकर उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब उन्होंने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी, यानी आजीवन यानी उनको जीवन भर के लिए सजा सुनाई थी। तो इन्होंने ये उससे पूछा कि क्या मैं जीवित रहूँगा तब तक ये सरकार ये अंग्रेज भारत में टिक पाएगी क्या, यानी कि उससे पहले ये क्रांतिकारी उसे निकाल देंगे। जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, यानी कि जो इंसानों पर नहीं किए जाए, इंसानियत से बहुत ही दूर हो ऐसे उन पर अत्याचार किए जाते थे। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों को, अस्पृश्य यानी जिनके छुआ नहीं जाता है, छुआछूत होता है, भेदभाव मानते हैं, जैसे हम मानते हैं हरिजन को इत्यादि को जिसे माना जाता है आज भी समाज में, उनको मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर बनवाया, यानी कि इनको भी नीची जाति का यानी नीच गिना जाता था, तो उनको
मंदिर में उनके लिए प्रवेश कराया, पतित पावन यानी कि नीचों को पावन किया जाए ऐसा मंदिर उन्होंने बनवाया था। सोचिए और बताइए, क्या आपके गांव में मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं? आप अपने आसपास जानकारी कीजिए। बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जिनमें हरिजन और कुछ जाति विशेष होती है जिनको मंदिर में प्रवेश माना है। वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई थी? उनका विरोध करने के लिए कि हम आपकी सरकार को मान्यता नहीं देते हैं, आपको हमारे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। वीर सावरकर को वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, इसलिए उनको वीर कहा जाता है। वो कितनी बार जेल गए थे इसलिए उनको वीर कहा जाता है। पता कीजिए और शब्दों का अर्थ बताइए। ये शब्द है आजीवन कारावास राजद्रोह क्रांतिकारी समरसता। ये देखिए इनके आपको अर्थ बताएंगे। आजीवन यानी जीवन पर्यंत, कारावास यानी जेल, राजद्रोह यानी राज्य या राजा से विरोध, क्रांतिकारी यानी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना यानी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ना, समरसता यानी सामंजस्य। इन्होंने जाति पांति को मिटाकर उसकी समरसता यानी समाज में सामंजस्य स्थापित करने की पहल की थी। इसके बाद में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने स्कूल के पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कीजिए और पढ़िए। अपने जो बहन जी भैया जी आपको पढ़ाते हैं उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए और उनसे किताबें लीजिए और पढ़िए। आप अभी आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आपको इस बारे में बहुत जानकारी मिलेगी और आप इससे भी जानकारी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? वीर सावरकर के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों का यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहे, चाहे तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। आपको पता होगा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय देश के भी दो टुकड़े हो गए थे, भारत और पाकिस्तान के। तो भारत की स्वतंत्रता के समय उस समय 562 देशी रियासतें थे, यानी उस समय पहले अलग अलग राजा थे और रजवाड़े थे और उस समय अलग अलग राज्य व्यय करते थे, इस प्रकार वो 562 थे। तो उनको उस समय अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप अपनी मर्जी से अपनी चाहे तो अलग एक देश बना सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं और चाहे तो हिंदुस्तान में मिल सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वह हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत से रियासतों को मनाकर और भारत में मिलाकर उसको भारत का हिस्सा बनाया और भारत देश को इतना बड़ा एक देश बनाया। शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ था जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ था, यानी कि उससे पहले हम अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग करते थे और उस समय यह एक सम्मेलन हुआ था जिसमें पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। एक प्रथा थी बेगार प्रथा, उसको बंद करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, फिर जब उन्होंने बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता के बाद वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और तब से ये वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग में उन्हें सौंपा गया। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए, यानी कि उनको संगठन बनाने की एक उनकी ये काबिलियत थी कि वे किसी को संगठन में सम्मिलित कर सकते थे, परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने की सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ, नवाब ने 5 दिनों में घुटने टेक दिए। यानी हैदराबाद वाले जब नहीं माने रियासत के तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ और नवाब ने 5 दिन में वहाँ के नवाब ने भारत में अपने मिलने की सहमति जता दी। हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबरा कर पाकिस्तान भाग गया। यानी कि जूनागढ़ का जो नवाब था, प्रजा तो भारत में मिलना चाहती थी लेकिन वो नवाब था वो पाकिस्तान के पक्ष में था और जब प्रजा का विरोध हुआ तो वो उससे घबरा कर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई, यानी कि वो भारत के में सम्मिलित हो गई और इस प्रकार वह भारत का बन गई। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ और खर्च बढ़ाओ घटाओ। वह आज भी सबके साथ लिए हैं, यानी कि उत्पादन को बढ़ाओ और खर्चा है उसको एक लिमिट करो और वह जो आमदनी होगी जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो वह खर्चे हमारे ही रहेंगे। इस प्रकार हमने इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जाना है। पता कीजिए आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके नाम के आधार पर कोई उपनाम दिया जाता है। जैसे इनमें सरदार नाम दिया गया तो उसी तरह चौधरी, पंच, मुखिया, पटवा, मेहता, जोशी आदि नाम दिए जाते हैं और भी बहुत से देखते हैं उनको हम उपनाम से जानते हैं। इस प्रकार ये आप अपने आसपास जानकारी करोगे तो आपको
पता चलेंगे। सोचिए और बताइए आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं। बहुत सी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं। भारत में अलग अलग राज्य और उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कर्नाटक में अलग होती है, कन्नड़ होती है, तमिलनाडु में मद्रास अलग होती है, तमिल होती है, उसी तरह आंध्र प्रदेश में तेलुगु होती है, राजस्थान में राजस्थानी होती है, गुजरात में गुजराती होती है, उस तरह बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं। किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये और दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये 5,000 रुपये दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर है। यानी कि जो 8,000 वाली आमदनी है लेकिन खर्चा 5,000 है, उनके हर महीने 3,000 रुपये बचता है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ खर्च बढ़ाओ व्यक्तिगत रूप से दे और देश हित में आज भी सार्थक है। कैसे हमने सीखा इस पाठ से, हमने क्या सीखा? महापुरुष मरे गौरव है, चिकित्सकों ने दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने समाज हित में काम किया है। भारत में अनेक वीरांगनाएं और महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। जाना समझा और अब बताइए महापुरुषों के जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं और क्यों? इस पाठ में हमने आयुर्वेदाचार्य वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है। तो मॉरल कहते हैं आयुर्वेदाचार्य वीरांगनाओं और क्रांतिकारियों का करें सम्मान, उनसे सीख लेकर हम भी बने महान। कुछ भी हम करेंगे तभी हम महान बनेंगे। जैसे समाज में जीवन में बदलाव लाने से ही अन्याय अत्याचार समाज में भी होता है, हमारे घरों में भी होता है, परिवारों में भी होता है और देश में भी होता है। तो जो व्यक्ति हिम्मत से और मजबूती से उनका विरोध करता है और कुछ सकारात्मक यानी अच्छा बदलाव लाता है उनका सम्मान किया जाता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में आयुर्वेदाचार्य वीरांगना और क्रांतिकारी के बारे में पढ़ा और कुछ सीखा। अब आगे प्रश्न उत्तर। वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई? क्योंकि इसके द्वारा वीर सावरकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे, जिससे देश का धन देश में ही रहे, देश आत्मनिर्भर बने तथा रोजगार के साधन बढ़े। वे अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का एहसास करवाना चाहते थे। प्रश्न 5, वीर सावरकर को वीर क्यों कहा जाता है? वीर सावरकर ने वीरतापूर्वक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसके लिए वे कई बार जेल गए थे, इसलिए वीर सावरकर को वीर कहा जाता है। आप कितनी भाषाओं के नाम जानते हैं? सूची बनाइए। हिंदी, मारवाड़ी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी, आसामी आदि। किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये, दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये, दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा? दूसरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है क्योंकि वह प्रतिमाह 3,000 रुपये बचाता है। सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ खर्च बढ़ाओ व्यक्तित्व रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है। कैसे? इससे बचत बढ़ेगी, निर्यात व निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा जिससे देश खुशहाल व समृद्ध होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। महापुरुषों के जीवन से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है? महापुरुषों के जीवन से हमें देश प्रेम, वीरता, साहस, शिष्टाचार तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शिक्षा मिलती है। आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर वीर सावरकर की तरह बनना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उनके दृढ़ निश्चय और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भावना मेरे मन में छू गई। सरदार पटेल ने कौन सा आंदोलन चलाया? बरदोली का प्रसिद्ध किसान आंदोलन चलाया था, इसलिए उनको बहुत ही वीर माना जाता है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वीर सावरकर ने किस ग्रंथ की रचना की? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक ग्रंथ की रचना की। चरक के ग्रंथ का क्या नाम रखा गया था? चरक के ग्रंथ का नाम चरक संहिता रखा गया। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा। आपको ये पाठ सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखने हैं, प्रश्नोत्तर पाठ भी पढ़ना है, समझना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।